में तो वहाँ पे यूज़ करते हैं गैसियस फ्यूल इजराइली यूज़, ठीक है, वो बहुत इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब बैकअप के लिए रखे होते हैं। मेजर जो होते हैं वो कोल एंड जनरली ऑयल बेस्ड होते हैं। अब जो कोल है ना उसके भी काफ़ी टाइप्स है, जैसे नेचुरल कोल जो होता है वो माइंस के अंदर से हम लाते हैं, तो दिस इज़ फॉर्म इन द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ वेजिटेशन एंड एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ये जैसे आपको भी पता है कि कोल कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से मिलता है, ठीक है, जहाँ पे कोल की माइंस है वहाँ से हम कोल लाते हैं। अब कंटेंट्स ऑफ कोल क्या होता है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर, सल्फर और कार्बन होता है, H2 नाइट्रोजन, तो वो सब होता है। तो अगर वो अच्छा होगा तो आपका कोल अच्छा होगा। देखो कोल अच्छा होने से क्या होगा कि जो भी आपको हीट एनर्जी मिल रही है वो ज़्यादा कैलोरी मिलेगी, ठीक है, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो अच्छी क्वालिटी का कोल लाओगे तो आपको जनरेशन वो उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो पर टन जो आपको जनरेशन मिलना चाहिए वो अच्छा मिलेगा आपको कोल अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो। सो अगर कोल अच्छा चाहिए तो पीट लिग्नाइट ये सब क्वालिटी के जो कोल है वो लाओ, बिटुमिनस सब सब सेमी, ठीक है, तो ये सब कोल्स हमको यूज़ करने हैं वहाँ पे। तो ये हाँ, तो सिलेक्शन ऐसे करो कि कैलोरीफिक वैल्यू उसकी क्या हो, ज़्यादा हो। अब लेआउट कैसा होता है कि मतलब कैसे हम उसको बनाएंगे, लेआउट कैसे बनाएंगे। सो वर्किंग पहले सबसे पहले तो कोल हमको लाना है सबसे कोल स्टोरेज में, तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। इतना सारा कोल होगा तो ऐसा कि नहीं बाहर रख देंगे, क्योंकि सीज़न अलग अलग होगी, जैसे कई बार बारिश होगी तो कोल भीग नहीं जाना चाहिए, तो आपको एक कोल का स्टोरेज बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप ये कोल को स्टोर करोगे, और जब भी आपको मतलब उसको जलाना है तब वो आप वहाँ से लाओगे। तो उसके लिए फैसिलिटी ऐसी बनानी है कि इजीली आप ले पाओ, ठीक है। सो फ्रॉम द बॉयलर स्टीम इज़ कमिंग आउट एंड ये जो भी कोल है वो बर्न करेंगे हम, और उसके बाद उससे जो हीट एनर्जी निकल रही है उसको बॉयलर को देंगे। बॉयलर क्या करेगा, बॉयलर जो है वो आपका वाटर जो है वाटर को कन्वर्ट करेगा स्टीम के अंदर। ये जो स्टीम बाहर आ रही है वो फिर जाएगी आगे टरबाइन के सेक्शन में, ठीक है। सो हॉट गैसेस जो निकल रहे हैं यहाँ पे हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सो यहाँ पे देखो जो भी हॉट गैसेस भी निकल रहे हैं ना तो उसमें से भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो बर्न कर रहे हैं हम तो ये स्टीम तो जनरेट हो ही रही है, ठीक है, वाटर में से स्टीम तो जा ही रहा है, तो वो तो काम हो ही रहा है। पर ये जो कोल आपने बर्न किए उसमें से जो हॉट गैसेस निकल रहा है वो आपको चिमनी से अगर बाहर छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो कि ये हॉट गैसेस है ना उसमें से जितनी एनर्जी है मतलब जो आपको टेम्परेचर मिल पा रहा है वहाँ से वो उसको रिकवर कर लो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से मतलब उसको हीट एक्सचेंजर या कहीं से भी उसको निकाल लो, और उसके बाद उसको चिमनी से छोड़ो ताकि आपको कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी वहाँ से मिल जाए, ठीक है। और एक बात, जो आप स्टीम जनरेट कर रहे हो ना वो कैसी होनी चाहिए, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड होगी तो वो हाई प्रेशर होगी, और जितना हाई प्रेशर होगा तो आपको टरबाइन की जो ब्लेड्स पे जब आप उसको थ्रो करोगे तो आप वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी टरबाइन हमारा चल रहा है तो वो क्या करेगा, जनरेटर के साथ अल्टरनेटर के साथ कपल होगा, और अल्टरनेटर को जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो ये एक इन जनरल एक वर्किंग होता है, ठीक है, आप अगर फिगर में देखना चाहो तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे ये कोल वाला प्लांट है, कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग, ठीक है, यहाँ पे बॉयलर में जा रहा है, बॉयलर से ये ऐश हैंडलिंग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोल बर्न हो जाएगा तो ऐश निकलेगी वो यहाँ पे जाएगी। अब देखो ये बॉयलर से एक सीधा एयर हो जाता है सुपर हीटर में, तो ये जहाँ पे जो स्टीम जनरेट हुई है ना सबसे पहले जाएगी सुपर हीटर में। अब ये फ्लू गैसेस जो निकल रहे हैं बर्न होने के बाद, कॉइल को जब बर्न करोगे तो वहाँ पे जो फ्लू गैसेस निकल रहे हैं वो भी हम सुपर हीटर में देखें, ताकि उसमें जितनी भी एनर्जी है वो रिकवर हो पाए। उसके बाद सुपर हीटर में से जाना है आपको इकोनोमाइज़र में, ये जो गैसेस जो जा रहे हैं, देखो यहाँ पे सुपर हीटर में से दो एयर निकल रहे हैं, एक यहाँ पे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, देखो ना एयर, सॉरी, ये जो वाल्व में जा रहा है वो क्या है कि ये सुपर हीटर में से जो भी आपकी स्टीम है वो जा रही है वाल्व के थ्रू टरबाइन में, ठीक है। सो ये टरबाइन में से आपको एनर्जी जो मैकेनिकल मिलेगी वो अल्टरनेटर से होके इलेक्ट्रिक मिल जाएगी यहाँ पे आपको, पर ये जो यहाँ पे जो गैसेस बचे हैं जो सुपर हीटर में से जो गैसेस निकल रहे उसको हम इकोनोमाइज़र में देंगे। अब इकोनोमाइज़र क्या होता है, आप ये देखो कि यहाँ पे नीचे उसका कहाँ से पोर्शन कनेक्ट है, देखो आपको पानी तो चाहिए यहाँ पे, ये एक पानी यहाँ से आ रहा है टरबाइन से निकल रहा है। अब टरबाइन से कौन सा पानी निकलेगा, जो आपने स्टीम दिया है ना यहाँ से, वो स्टीम कन्वर्ट होगी अगेन पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, जब उसको थ्रो करोगे तो वहाँ से पानी में बन जाएगा फिर से वो, जब वो
उसका टेम्परेचर लो होगा तो वो पानी फिर से बन जाएगा। तो वो पानी आप कंडेंसर में डालो, कंडेंसर में क्या करना है आपको, वो कंडेंसर में आपके जो जो भी उसमें हीट बची है वो पहले रिकवर कर लो और उसके बाद कूलिंग में ले जाना है आपको, ठीक है। अब ये जो अब पानी कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आपको बॉयलर में पानी वापस से तो डालना पड़ेगा ना, तो क्या करो यहाँ से पंप के थ्रू हम पहले कहाँ डालते हैं, इकोनोमाइज़र में डालते हैं वो पानी। इकोनोमाइज़र में क्या होगा, थोड़ा बहुत वो हीट हो जाएगा पानी, कैसे, तो ये जो सुपर हीटर में से जो गैसेस निकले ना उसकी एनर्जी हम यूज़ करके ये पानी जो हम सप्लाई करने वाले बॉयलर को उसको सबसे पहले थोड़ा बहुत हीट कर देंगे, ठीक है, पहले से प्री हीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा तो वो एनर्जी आपको यहाँ बॉयलर में उतनी कम देनी पड़ेगी। अब इकोनोमाइज़र से जब गैसेस निकलते हैं ना वो जाते हैं प्री हीटर में। अब आप ये भी चीज़ आपको पता है कि जब भी कोई कोलसा को जलाना हो, कोल को जलाना है तो उसको उसको अकेला एनर्जी नहीं चाहिए, उसको एयर भी चाहिए। अगर आप सफिशिएंट एयर उसको प्रोवाइड करोगे तो कोलसा अच्छा अच्छे से बर्न होगा, मतलब वो प्रॉपरली बर्न होगा। अगर वो प्रॉपरली जलेगा नहीं, कुछ पोर्शन उसका बच गया तो वो तो वेस्टेज हो जाएगा। तो प्रॉपरली उसको जलाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको एयर भी सप्लाई कर रहे हो। अब वो जो एयर है ना वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर एयर नहीं आप सप्लाई कर सकते, उसको पहले थोड़ा क्या करना पड़ता है, मॉइस्चर वॉइस्चर निकाल देना पड़ता है। और उसको क्या, और मॉइस्चर और वो सब करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये गैसेस में थोड़ी बहुत अभी भी एनर्जी बची है ना वो एयर प्री हीटर में यूज़ कर लेंगे, कि जो एयर हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उसको थोड़ा प्री हीट करेंगे ताकि मॉइस्चर भी दूर हो जाए। वो होने के बाद उसको बॉयलर में देंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में इंड्यूस ड्राउट फैन होगा, वो एयर मतलब वो जो भी गैसी से एयर के साथ वो खींच लेंगे और चिमनी से वो डायरेक्टली छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में। तो हमने ये तीन स्टेप में हम गैसेस का जो मतलब एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो तो यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम है, ये जो आपको दिख रहा है ना सीधी लाइन में, ये सीधी लाइन में ये पूरी मेन प्रोसेस है और ये जो है उसके सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम अगर नहीं होगी तो ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोर्टिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक आपको है ना सब कुछ सबका बेसिक बताया, जैसे देखो बॉयलर क्या करता है, आपका जो भी मतलब कोल है उसको बर्न करता है बॉयलर, ठीक है, और हीट एनर्जी जनरेट करता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है, इकोनोमाइज़र जो वाटर आप सप्लाई करने वाले हो बॉयलर को उसको पहले थोड़ा प्री हीट कर लेता है। एयर प्री हीटर करता क्या करता है, जो बॉयलर को हम एयर देने वाले हैं उसको थोड़ा बहुत प्री हीट कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर क्या करेगा, जो भी हीट एनर्जी यहाँ से मतलब जो हाई प्रेशर स्टीम हमने दी थी टर्बाइन को चलाने के लिए वो अब क्या हो गई है, लो प्रेशर हो गई है, क्योंकि वो एक बार वहाँ पे उसको छोड़ दिया तो उसका प्रेशर गिर जाएगा। वो जो स्टीम है उसको कंडेंसर में ले जाएंगे और वहाँ पे उसको दोबारा पानी में कन्वर्ट कर देंगे और कूलिंग टावर्स में हम दे देंगे उसको। और उसके बाद जो टर्बाइन है वो क्या करता है, टर्बाइन सिंपली जो स्टीम एनर्जी मिल रही है उसमें से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा। और एट द एंड अल्टरनेटर क्या करने वाला है, जो ये भी जो मैकेनिकल एनर्जी उसको मिली है उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा। तो हर एक स्टेप और हर एक जो इक्विपमेंट है उसकी अहमियत है पावर प्लांट में। तो कोल पावर प्लांट होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सिलरीज ज़्यादा होती है, एक मेन सिस्टम के अलावा काफ़ी सारी सिस्टम्स हमको चलानी पड़ती है, ठीक है। सो एनर्जी कन्वर्जेशन यहाँ पे सब कुछ लिखा है, देखो जो भी मैंने अभी तक आपको बोला ना सब कुछ इसमें लिखा है और ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो शांति से इसको पढ़ो, क्या वाटर साइकिल है, कहाँ से कहाँ जाती है, और उसके बाद भी अगर डाउट आता है ना तो आप कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो देखो ये सब कुछ है, देखो सबसे पहला क्या है, वाटर साइकिल, कहाँ कहाँ से वाटर आता है मैंने बोल दिया आपको। यहाँ से वाटर जो हम कूलिंग टावर से ले रहे हैं और यहाँ पे मतलब यहाँ से जा रहा है इकोनोमाइज़र में, और जब वापस आएगा तो कंडेंसर के थ्रू आएगा वो पानी, ठीक है। सो वही पानी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो लॉस होगा वो हम सरप्लस कर लेंगे अंदर। तो एक होता है वाटर साइकिल, फिर होता है एयर साइकिल, जो एयर हम प्रोवाइड कर ले बॉयलर को उसकी एक साइकिल होती है। एयर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी बनानी पड़ती है वहाँ पे। फ्लू गैसेस जो है जो हम यहाँ से निकल रहे हैं उसका भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कूलिंग जो वाटर सर्किट है उसके अंदर कूल करना पड़ता है वाटर को, क्योंकि देखो जो भी स्टीम कन्वर्ट हुई है उसको दोबारा से हमको यूज़ करना है, तो सबसे पहले उसको कूल तो करना पड़ेगा, तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट होगा, नहीं तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो कूलिंग भी ज़रूरी है। और अब उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं कोल हैंडलिंग के, तो सबसे पहले डिलीवरी होती है, अनलोडिंग होता है कोल एट द साइट,
फिर अनलोडिंग टू डेड स्टोरेज, तो हम सबसे पहले उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं जलाने के लिए। देखो डायरेक्टली जो कोलसा मिला है, बड़े बड़े कोलसे के टुकड़े होते हैं, ऐसा छोटा टुकड़ा नहीं होता है, तो उसको डायरेक्टली हम बॉयलर में नहीं डाल सकते क्योंकि वो प्रॉपरली वहाँ पे जलेगा नहीं, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली जलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको छोटी छोटी साइज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, छोटी छोटी साइज़ में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फिर, ठीक है। और उसको ट्रांसफ़र करने के बाद द सूटेबल साइज ऑफ कोल इज़ नाउ ट्रांसफ़र, तो उसको ट्रांसफ़र करो बॉयलर के अंदर और वहाँ पे जला के फिर एनर्जी यूज़ करो उसकी। सो आउटडोर इंडोर दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से एरिया में हो। तो ये सब स्टेप है। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बॉयलर, ठीक है। बॉयलर काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करता है। सो बॉयलर इज़ अ मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द थर्मो पावर प्लांट, इन विच थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग द कोल इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम टू द ड्राइव द स्टीम टर्बाइन। ओके, सो इन शॉर्ट ये डेफिनेशन है, देखो इसको रटना नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैं अभी आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉयलर करता क्या है, ठीक है। सो बॉयलर क्या है, कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थर्मल पावर प्लांट का, जो करता क्या है, बर्निंग, जो कोल आप बर्न करते हो उसकी एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करता है स्टीम एनर्जी में, मतलब स्टीम में कन्वर्ट करता है उसको, और वो स्टीम हम यूज़ कर सकते हैं स्टीम टर्बाइन में। तो यहाँ पे दो टाइप के बॉयलर होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। दोनों में क्या डिफरेंस है, फायर ट्यूब के अंदर क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ टाइप्स द हीट एनर्जी इज एज फॉलो, ऐसे होती है, हॉट गैसेस आर पास्ड इन द ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड्स इट्स ट्यूब। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में अगर फिगर दी हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फिगर नहीं है, ठीक है। सो फिगर देखो आपको मैं समझा देता हूँ, आपको अगर फिगर देखनी है ना, तो सिंपली गूगल में टाइप कर लेना फायर ट्यूब बॉयलर, आपको समझ में आ जाएगा। पर और उसके साथ साथ ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो सुन लेना, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप गूगल करो और एक्सप्लेनेशन साथ में देखते रहो। देखो तो इसमें होता क्या है, फायर ट्यूब के अंदर क्या होता है कि हॉट गैसेस होते हैं ना, वो ट्यूब्स के अंदर से जाते हैं, ठीक है। तो आप सपोज़ करो कि जो आपकी ट्यूब्स है ना बॉयलर की, ठीक है, उसमें से आपके गैसेस जा रहे हैं, मतलब जो आपने कोलसा जलाया है उससे जो हॉट गैसेस मिले आपको, वो पाइप में से जा रहा है और पाइप के अराउंड में वाटर है, ठीक है। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे, ये गर्म पाइप के कांटेक्ट में, तो वो क्या होगा, वो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है फायर ट्यूब, कि ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है। और दूसरा टाइप क्या होता है, वो है वाटर ट्यूब। तो उससे इससे उल्टा होता है, उसके अंदर पानी बाहर था, इसके अंदर पानी अंदर आ गया, ठीक है। तो ये ट्यूब में वाटर आ जाएगा और जो बाहर का एरिया, उसमें हम वहाँ पे गैसेस डाल देंगे, जो गर्म जो हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, हीट एनर्जी जो जनरेट हम मिल रही है वो उसके सराउंड में घूमेगी, ट्यूब्स के सराउंड में। तो काम तो वही करना है, आपको स्टीम ही जनरेट करनी है अल्टीमेटली, पर तरीका अलग है। मतलब एक में ट्यूब में गैस है, तो दूसरे में वाटर है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, एक तो चीपर है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, एंड ग्रेट एडवांटेज क्या है, फ्लक्चुएशन इन अ स्टीम डिमांड कैन बी वेरी इजीली, ठीक है। स्टीम डिमांड में अगर कोई वेरिएशन आता है तो इजीली, पर डिसएडवांटेज क्या है, स्टीम फॉर्म इज नॉट ड्राई बट सम हाउ इट इज़ वेट। ओके, तो ये जो स्टीम बनती है वो उतनी ड्राई नहीं होगी, थोड़ी बहुत वेट होगी, और जो टाइम लगता है ना भाई, वो भी ज़्यादा टाइम लगेगा भाई इसको बनाने के लिए, और जो स्टीम का प्रेशर है वो भी कम होगा, ठीक है। सो आउटपुट ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर इज अ स्मॉल एंड लिमिटेड, ड्यू टू दिस ड्रॉबैक बॉयलर इज नॉट यूज इन अ लार्ज कैपेसिटी। तो ये जो फायर ट्यूब है ना, वो लार्ज कैपेसिटी में नहीं यूज़ होगा, स्मॉल कैपेसिटी में यूज़ कर सकते हैं। वाटर ट्यूब में जो है ना, वो सब कुछ एडवांटेज यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो जनरली जो पावर प्लांट्स में होते हैं वो वाटर ट्यूब वाले ही होते हैं। यहाँ पे कंपेरिजन है, आप देख सकते हो ईजिली। अब जो चिमनी है, चिमनी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं भाई, चिमनी क्या होती है देखी है सबने, कि वहाँ से फ्लू गैसेस हम निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लास्ट स्टेप में चिमनी आएगी। सुपर हीटर क्या होता है, वो स्टीम को सुपर हीट करता है, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी ड्राई, मतलब उसमें वेट है, मतलब मॉइस्चर है, तो उसको ड्राई कर देगा। एंड जो अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, कि भाई इकोनोमाइज़र होता है, वो क्या करता है, जो भी आपको वाटर सप्लाई करना है तो उसको थोड़ा प्री हीट कर लेगा,
तो यहाँ से ऐसे इकोनोमाइज़र होता है कि ऐसे यहाँ पे वाटर इनलेट होगा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ से फ्लू गैसेस जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वाटर अंदर है, ठीक है, तो ये जो वाटर ट्यूब बॉयलर था ना वैसा ही है, वाटर अंदर है और गैसेस बाहर है, ठीक है। तो उसका एक कंस्ट्रक्शन होता है और उसका एडवांटेज क्या है, इट इम्प्रूव्स दी बॉयलर एफिशिएंसी। 5 डिग्री तक तापमान उसका बढ़ जाता है तो बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। कंडेंसर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन अ थर्मल पावर स्टेशन, इट इज़ लोकेटेड नियर द टर्बाइन टू रिसीव द एग्जॉस्ट। देखो कंडेंसर क्या होता है, मैंने बताया था नीचे की साइड में कंडेंसर था, यहाँ पे ये रहा, ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है, जो कि जो भी यहाँ पे बॉयलर में से, सॉरी बॉयलर नहीं, टर्बाइन में से जो स्टीम निकल रही है ना काम हो जाने के बाद, ठीक है, काम हो गया, अभी स्टीम में से हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, अब ये स्टीम कोई अपने काम की नहीं है क्योंकि लो प्रेशर हो गई है, तो अब उसको क्या करेंगे, फिर से पानी में कन्वर्ट करेंगे, और पानी में कौन कन्वर्ट करता है, कंडेंसर कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो कंडेंसर इन शॉर्ट क्या करता है, जो भी हमारी अब एग्जस्ट स्टीम है उसको दोबारा से पानी में कन्वर्ट करेगा। सो देखो उसमें भी दो टाइप के कंडेंसर होते हैं, जेड टाइप का कंडेंसर होता है, ठीक है। तो जेड में क्या होगा, यहाँ से स्टीम आएगी और यहाँ से जो पानी वो नीचे की तरह आएगा और एयर यहाँ से ऊपर की तरह खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी यहाँ पे पानी है वो यहाँ पे नीचे जमा होता जाएगा। तो ये होता है जेट, और सरफेस टाइप कंडेंसर होता है जिसमें ऐसे सरफेस टाइप होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जस्ट जो स्टीम है वो यहाँ से आएगी अंदर की साइड में और कंडेंस टू द एक्सटेंशन पाइप। तो जो भी जो स्टीम है वो क्या होगी, पानी में जब भी सेटल होगी तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हम पानी ले सकते हैं, और ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही है ना, ये ट्यूब्स में से पानी घूमता रहेगा, ठीक है। कूलिंग कूल जो पानी होता है, जो कोल्ड होता है, ठीक है, गर्म पानी नहीं ले जाना है क्योंकि हमको स्टीम को अगेन कन्वर्ट करना है पानी के अंदर। तो यहाँ पे जो कूलिंग टावर्स में से पानी लिया जाता है और यहाँ से सर्कुलेट किया जाता है ताकि ये जो एग्जस्ट स्टीम है ना वो ठंडी हो जाए और पानी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये होता है, ठीक है। कूलिंग टावर्स भी आपको बताया था कि कूलिंग टावर्स में क्या होता है, जो भी हमारी जो पानी है हॉट है उसको कन्वर्ट करना है कूल में, ठीक है, कूल करना है ताकि हम दोबारा से उसको इकोनोमाइज़र में भेज के दोबारा से बॉयलर में डाल सके इसको। तो एक दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर होता है और अनदर इज फोर्स्ड। तो नेचुरल में क्या होता है, सॉरी नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल के अंदर आपका जो भी नेचुरली जो एयर होती है ना उससे हम कूल करते हैं, और फोर्स में हमने वहाँ पे पंखे लगाए होते हैं तो वो पंखे से वहाँ पे कूल होता है। कहीं कोई बार अगर पावर प्लांट्स के नज़दीक से गुजरो तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी आराम से। तो पढ़ लेना इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिंपल है, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है ये चीज़, ठीक है। सो कुछ कुछ चीज़ें मैं आप पे छोड़ूंगा, आपको अपने हिसाब से पढ़नी, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है उतना, तो ये सब आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो पावर स्टेशन होता है तो थर्मल पावर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, कैसे उसका सिमेटिक डायग्राम होता है। हमने अभी तक पावर प्लांट देख लिए, अब उसका सिमेटिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर। प्रीवियसली हमने पावर प्लांट स्टार्ट किए थे, अब इस लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे स्टीम एंड द पावर प्लांट। जो स्टीम पावर प्लांट हम बेसिकली आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे कोल में से हम स्टीम जनरेट करते हैं।